हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों के बीच HTML को लेकर के आया हूं, तीसरा पार्ट। तो आज हम यहां पर सीखने वाले हैं टेक्स्ट को कैसे कलर करते हैं HTML में। तो सबसे पहले यहां पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं, और नोटपैड को ओपन करने के बाद ब्राउजर भी साइड में लगा देता हूं। यहां पर जो भी हम काम करेंगे वो ठीक सामने यहां पर देख सकेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले HTML को हम लोग जो है यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पहला सेकेंड वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, HTML/ यहाँ पर क्या करते हैं, यह आपका जो हो गया टैग आपका स्टार्ट हो गया है। और यहां पर हम टैग में HTML कर लेते हैं, यह आपका हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग यहां पर यूज कर लेते हैं। हेड के लिए यहां पर हेड स्टार्ट कर देते हैं, ओके। इसके बाद हेड में हम लोग जो है टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल यहां पर टाइप कर देते हैं टाइटल, ओके। इसके बाद यहां पर टाइटल में जो भी यहां पर टाइप करना चाहते हैं आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं आशीष कुमार प्रजापति, ओके। टाइटल को यहां से क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्लैश और यहां पर टाइटल लिखेंगे टाइटल, ओके। ये आपका हो गया, टैग बंद कर देंगे। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, स्टाइल लगाना है। तो स्टाइल के लिए हम लोग यहां पर करेंगे टैग को ऑन करेंगे और STYLE, ओके। यहां पर स्पेस टाइप, ओके, ये काम हो गया। इसके बाद इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा के अंतर्गत हम लिखेंगे टेक्स्ट, और यहां पर टेक्स्ट के बाद स्लैश किसके द्वारा, CSS के द्वारा, क्योंकि हम जो है यहां पर CSS का यूज कर रहे हैं। और यहां पर टैग यहां पर क्या करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इसके बाद यहां पर टैग जो बंद कर देना है, यह काम हो गया यहां पर। इसके बाद यहां पर जो कलर देना है उस कलर को हम यहां पर यूज कर लेते हैं। तो कलर आपका हो गया कलर। इसके बाद अनुपाते यहां पर ग्रीन करना है, ग्रीन रेड येलो आप जो भी टाइप करेंगे यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पर ग्रीन, ओके। इसके बाद यहां पर क्या करना है, सेमी कॉलन यूज करना है, ओके। तो सेमी कॉलन यूज करने के बाद यहां पर क्या करना है, आपको कोष्टक बंद करना है मजला से। इसके बाद स्टाइल को भी बंद कर लीजिएगा यहां पर, स्टाइल आपका स्टाइल हो गया। इसके बाद यहां पर क्या करना है, आपको हेड भी बंद कर देना है। यहां पर देखेंगे कि हेड यहां से मैं चालू किया हूं और टाइटल यहां से चालू करके यहां पर क्या किया हूं, बंद कर दिया हूं। यहां पर मिस्टेक हो गया है, टी रहेगा। अब यहां पर क्या करना हूं, टाइटल यहां से चालू करके टाइटल बंद कर दिया हूं। अब इसको अगर चेक करना चाहते हैं, यहां पर रन कराना चाहते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल यस, इसके बाद रन कराए देंगे। तो यहां पर देखेंगे ऊपर आशीष कुमार प्रजापति यहां पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि हम जो टाइटल में ये लिखे हैं, क्लियर है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल लगा देते हैं। तो स्टाइल को, सॉरी, स्टाइल को यहां पर क्या करना है, क्लोज करना है। तो स्टाइल आपका क्लोज हो गया। इसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, हेड भी क्लोज कर लेना है। हेड स्लैश देकर के यहां पर टैग देकर के बंद। इसके बाद यहां पर क्या करना है, बॉडी। तो बॉडी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी, तो बॉडी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं बॉडी के अंतर्गत H1, क्या कर रहा हूं, H1 मेरा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। अब हेडिंग के अंतर्गत मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं, चलिए अमितेश प्रजापति, ओके। ये आपका हो गया। यहां से क्या करेंगे, हेडिंग को क्लोज कर देते हैं या H1 लगा करके। यह ध्यान में रखेंगे कि H1 यहां से जब स्टार्ट किए हैं तो आपको H1 ही क्लोज करना है, यह आपको ध्यान में रखेंगे। अगर यहां पर मैं H2 अगर कर दूं तो यह भी आपका H2 होना चाहिए। सबसे बड़ा केस में 1 होता है और सबसे छोटा केस में आपका 9 होता है, ये आप लोग क्लियर कर लेंगे यहां पर। इसके बाद एक काम करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं, यहां पर 2 भी लगा देते हैं। ये आपका 2 हो गया, ये आपका कंडीशन 2, क्लियर है इतना। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर बॉडी को भी यहां से बंद कर लेते हैं। तो बॉडी यहां पर क्या करेंगे, स्लैश करके बॉडी,
स्लैश बंद। अब इसके बाद HTML भी बंद कर लेना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा /HTML और ये आपका हो गया क्लोज। अब इसको कंट्रोल यस करेंगे और यहां पर जैसे एंटर करेंगे तो ये देखेंगे कलर में आपको इफेक्ट करके यहां पर दे रहा है। अगर मैं यहां पर कुछ कंडीशन के कारण जैसे 9 तक लिख रहा हूं, मान लीजिए इसको मैं यहां पर क्लिक किया, यहां पर यूज करूंगा 3, तो ये आपका 3 कंडीशन तक देगा, ये देखेंगे इससे नॉर्मली देगा यहां पर। और इसको क्या करना है, कंट्रोल बस यस करना है, यहां पर ट्रैक करना है, ये देखेंगे इससे भी छोटा दे रहा है। अगर इससे भी छोटा करना है तो यहां पर क्या करना है, कंट्रोल वी, इसके बाद मैं एक और कर दे रहा हूं यहां पर कंट्रोल वी, यहां पर कंट्रोल वी। आप देखेंगे यहां पर 3 लिखे हैं, यहां पर 4 लिखेंगे, यहां पर 5 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या 6, यहां पर भी आप लोग 4 के सामने 4 और यहां पर क्या लिखेंगे 5 के सामने 5 और यहां पर क्या लिखेंगे 6 के सामने 6। ओके, अब यहां से क्या करना है, कंट्रोल यस, और जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यह कंडीशन एकदम 0 लेवल तक लेके चला जाएगा, 9 आपका कंडीशन। ओके, तो अगर आप यहां पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसकी मदद से यूज कर सकते हैं। यह तो हो गया टेक्स्ट कलर के बारे में। अगर मुझे यूज करना है कि अगर बोल दिया जाए कि मुझे टेक्स्ट के साथ साथ बैकग्राउंडिंग कलर भी चाहिए, तो आप लोग इसी कंडीशन को फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं काम करता हूं, फिर से इसको जो है डिलीट कर लेता हूं। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे इस कंडीशन को, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, डिलीट कंट्रोल यस, इसके बाद यहां पर क्या करेंगे रिफ्रेश कर देंगे तो यह पूरा गायब हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, HTML मैं टाइप कर देता हूं। ओके, तो HTML आपका टैग दे करके ऑन हो गया। अब इसके अंतर्गत मुझे क्या करना है, आपको हेड यूज करना है, तो मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं क्या हेड। ओके, ये आपका हेड हो गया ऑन। अब हेड के अंतर्गत मैं क्या करता हूं, स्टाइल लगा देता हूं। ओके, तो यहां पर स्टाइल लिखने का, स्टाइल लिखने के बाद स्पेस टाइप। ओके, टाइप देने के बाद इक्वल डबल यूनिट कॉमा, यहां पर क्या करना है, टेक्स्ट यूज करना है, क्या चीज, टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप लोग /CSS, ये आपका कोडिंग हो गया टेक्स्ट को यूज करने के लिए, तो डबल यूनिट कॉमा यहां पर स्लैश, यहां पर दे देना टैग को बंद। इसके बाद अब किस कंडीशन से लगाना है यहां पर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्पैन के जरिए लगा रहा हूं। तो स्पैन के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर पी, और यहां पर आप लोग जो है शिफ्ट दबा करके स्केप की के नीचे जो है बटन दिया गया आर रुपीज वाला, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं वो को सिंबल। ओके, इसके बाद यहां पर टाइप करना आप लोगों क्या है, स्पैन। ओके, ये आपका हो गया स्पैन। इसके बाद यहां पर क्या करना है, मोजिला कोष्टक ऑन कर लेना है, और यहां पर बैकग्राउंडिंग जो भी कलर देना चाहते हैं वो यहां पर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर बैकग्राउंडिंग ले रहा हूं, बैकग्राउंड। ओके, तो ये आपका हो गया बैकग्राउंड। अब यहां पर डैश, ये क्या करना है, कलर यूज कर लेना है। ओके, तो कलर, इसके बाद कौन सा कलर देना है, तो यहां पर अनुपाते दे करके जो भी कलर देना रहेगा तो ये आप लोग दे सकते हैं। तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं ग्रीन, ये आपका हो गया ग्रीन। और सेमी कॉलन यूज करना है, इसके बाद कोष्टक आप लोग जो यहां पर ऑन किए थे जिस कोष्टक से, उसी कोष्टक से यहां पर क्या करेंगे, ऑफ वी करना है आप लोगों को। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद स्टाइल आप लोग क्या करेंगे, यहां से क्लोज कर लेंगे, क्योंकि आपका स्टाइल देखेंगे यहां पर स्टाइल आपका क्या है, ऑन है, तो स्टाइल को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर कॉपी करके इसको क्या करता हूं, कंट्रोल वी, और इसको यहां पर स्लैश, और यहां पर क्या करना है, टैग दे करके एंटर कर लेना है, ये आपका हो गया। आप इसी तरीके से कॉपी भी हेड को भी कर सकते हैं, तो मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं हेड, इसको बंद। आपका देखेंगे स्टाइल आपका यहां से आंत तक आन था, अब स्टाइल के अंतर्गत जो है हम बैकग्राउंडिंग को कलर दे रहे हैं टेक्स्ट के अंतर्गत। ओके, अब यहां पर क्या करना है, स्टाइल को तो क्लोज कर दिया, अब इसके अंतर्गत क्या किया हूं, हेड को भी यहां से क्लोज कर दिया हूं। क्लोज का मतलब ये आपका स्लैश अगर हो गया तो यहां पर क्लोज हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हमें टाइप करूंगा बॉडी, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बॉडी यूज कर लेता हूं। तो बॉडी के अंतर्गत मैं जो यहां पर टाइप कर रहा हूं डीवी, तो यहां पर क्या करना है, यूज करना है डिव। ओके, तो यहां पर इसको जो है ऑन कर लेते हैं, यह मेरा एक टैग है। ओके, अब इस टैग के अंतर्गत मुझे क्या देना, पैराग्राफ। पैराग्राफ यहां से क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और इस पैराग्राफ में मुझे टाइप करना है,
तो मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं, मान लीजिए देवराज कंप्यूटर, ओके आजमगढ़, ये आपका हो गया यहां पर। अब इसको क्या करना है, जो टैग ऑन किए थे उसी टैग को क्या करना है, पैराग्राफ वाले को बंद कर देना है। यहां पर देखेंगे कि पैराग्राफ मेरा ऑन था और यहां पर क्या किया गया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया गया है। ये आपका हो गया, कंट्रोल यस करके यहां पर चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है ये अभी नॉर्मली दे रहा है, ओके। अगर मुझे यूज करना है टेक्स्ट कलर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्पैम का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आप लोगों को टैग ऑन करके स्पैम दे देता हूं। ये आपका काम हो गया यहां पर। इसके बाद टैग ऑन, अब इसके अंतर्गत मुझे क्या करना है, टाइप करना जो भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, तो मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं। चलिए तो आपकी कैपिटल में टाइप कर दे रहा हूं, देवराज कंप्यूटर आजमगढ़, ये आपका हो गया। इसके बाद यहां पर आप लोगों को देने के बाद क्या करने, इसको लॉक कर देना इस पैन को। तो मैं यहां पर लॉक कर दिया और इस पैन जो है टाइप कर दिया, ये आपका हो गया टैग बंद। क्लियर है इतना। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम, जो है यहां पर डिप को क्या कहते हैं, ऑन किए थे, इसको यहां पर क्या करते हैं, स्लैश लगा करके बंद कर देते हैं। क्लियर हो गया इतना। यहां पर इतना करने के बाद आप जो है बॉडी को भी बंद कर लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बॉडी, और बॉडी में यहां पर क्या करना है, स्लैश लगा करके इसको बंद कर देना है। आप इसके बाद HTML को भी बंद कर लीजिए, तो HTML स्लैश दबा करके HTML, ये आपका हो गया। इसको क्या करना है, ये बंद हो गया, इसको कंट्रोल यस करना और यहां से क्या करना है, रिफ्रेश बस कर देना है। तो यहां पर देखेंगे यह वाला जो है, यहां पर देखेंगे कि यह आपका पैराग्राफ चेंज करके यह आपको टाइप करना देवराज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आजमगढ़, यह आपका कौन सा होना चाहिए। यहां पर मैं कौन सा कलर दिया हूं, ग्रीन। अगर मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, रेड। अब इसको यहां से क्या करता हूं, कंट्रोल यस, और जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपका रेड में हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं और यहां पर टेक्स्ट के बैकग्राउंडिंग को भी कलर दे सकते हैं। यह आज दोनों आप लोगों को टॉपिक में बताए हैं। आज की टॉपिक थी 3। अगर सेकेंड और फर्स्ट टॉपिक अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग जो है देख सकते हमारे चैनल पर। अगर आप लोग एक्सेल में भी अगर इंटरेस्टेड है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेल की वीडियो जो है बहुत सारे बनाए गए हैं, आप लोग वहां से भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। और जो लोग नए मेहमान होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।